वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज़ क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन डिपोजिट रिसिप्ट्स जिसे हम शॉर्ट में आइडियार्स भी कहते हैं आइडियार्स भी क्या होती हैं जी और ए की तरह ही होती हैं लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो आइडियार्स हैं वो एक फॉरेन कंपनी इशू करती है ताकि वो इंडियन मार्केट से फंड्स रेज कर सके अब फॉरेन कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है और इसके लिए वो क्या कर रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहा है तो फॉरेन कंपनी को जब फंड्स रेज करने इंडियन मार्केट से तो वो क्या करेगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है इंडिया में इशू करने के लिए है ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ये क्योंकि इंडिया की करेंसी क्या है रुपीज़ है तो ये आइडियाज़ जो होती हैं वो किसके डिनोमिनेशन में होती है रुपीज़ के डिनोमिनेशन में होती है और इंडिया में कैसे सेल परचेज होंगी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होंगी तो इनका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना कंपलसरी है जैसे जी का कंपलसरी था अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना एडीआर के लिए कंपलसरी था अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना जस्ट लाइक दैट आई शुड बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज तो इस तरह से आई क्या है आई क्या है एक रिसिप्ट है जो फॉरेन कंपनी इशू करती है इंडियन मार्केट से फंड्स रेज करने के लिए रुपीस के डिनोमिनेशन में होती है ओके नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन डिपोजिटिव रिसिप्ट फर्स्ट फीचर इज आइडिया आर इशूड बाय एनी फॉरेन कंपनी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू की इसको कौन इशू करता है फॉरन कंपनी इशू करती है ताकि वो इंडियन मार्केट से क्या कर सके फंड्स रेज कर सके नेक्स्ट द आइडियर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और इसका इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना कंपल्सरी है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं बाई एंड सेल की जाती थर्ड फीचर इज़ अ सिंगल आइडियर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर जैसा कि जी डी आर और ए डी आर के केस में था सेम इज हेयर कि एक जो आईडी आर है वो इट कैन बी इक्वल टू मोर देन वन शेयर ये एक से ज्यादा शेयर की इक्वल भी हो सकती है जैसे ये टेन शेयर्स की इक्वल हो सकती है फाइव शेयर्स की इक्वल हो सकती है जरूरी नहीं है वन आई डी आर विल बी इक्वल टू वन शेयर नेक्स्ट फीचर इज द डिविडेंड ऑन दम इज सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर्स जैसे शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है इस तरह से आई डी आर पर भी डिविडेंड दिया जाता है ठीक है तो इंडियन डिपोजिट शैल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द आईडी आर होल्डर्स अब इसे जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करे कौन करेगा इंडियन डिपॉजिटरी करेगी ठीक है इंडियन डिपॉजिटरी क्या है इसको हम जब प्रोसेस प्रोसीजर ऑफ आई डी इश्यू का जो प्रोसेस है जब हम वो डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू वट इज़ इंडियन डिपॉजिटरी नेक्स्ट फीचर इज़ द होल्डर ऑफ आईडियार्स हैव नो राइट टू वोट इन द कंपनी जो आईडी होल्डर्स हैं उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं है जैसे जी जीडीआर होल्डर एडीआर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते इस वैसे से आईडीआर होल्डर्स के पास भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते बट उनको डिविडेंड वैसे ही मिलता है जैसे और शेयर्स पर मिल दिया जाता है नेक्स्ट फीचर इज द होल्डर ऑफ आईडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इन टू शेयर्स और आईडीआर होल्डर्स हैं उसको क्या करवा सकते हैं शेयर में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं लेकिन इस पर एक कंडीशन है बट नॉट बिफोर वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू लेकिन जिस दिन ये इशू हुए हैं उससे वन ईयर से पहले ये कन्वर्ट नहीं हो सकते वन ईयर के बाद ही कन्वर्ट होंगे ओके दिस इज द कंडीशन एंड लास्ट इज द आइडियार्स आर इन द रुपीज़ डिनोमिनेशन और ये रुपीज़ डिनोमिनेशन में होते हैं क्योंकि ये इंडिया में इशू हो रहे हैं ठीक है तो इंडिया में इशू हो रहे हैं तो इंडिया की करेंसी चलेगी और इंडिया की करेंसी क्या है रुपीज़ है

ये अपने जो भी शेयर्स है वो किसको हैंड ओवर कर देता है ओवरसीज कस्टडियन बैंक को इशू कर देता है ठीक है अब ओवरसीज कस्टडियन बैंक क्या होता है ओवरसीज कस्टडियन बैंक एक फॉरेन बैंक होता है जिसकी इंडिया में भी ब्रांचिज होती हैं और ये क्या करता है सिक्योरिटीज जो शेयर्स हैं उनको उसके लिए कस्टडियन का काम करता है कस्टडियन का मतलब क्या होता है जो अपनी कस्टडी में रखता है उसको सेफली होल्ड करके रखता है अपने पास उसको हम क्या कहते हैं ओवरसीज कस्टडियन बैंक कहते हैं ठीक है थीके? लेकिन इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले जो इसके लिए हम एक अप्रूवल की जरूरत होगी फाइनेंस मिनिस्टर से जो कि कस्टडियन की तरह वर्क करता है इस काम के लिए ठीक है उसके बाद अब ओवरसीज कस्टडियन बैंक है ओसीबी वो क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा इंडियन डिपोजिटरी को कि वो जो शेयर्स हैं फॉरेन कंपनी के वो उसको एज एन आइडिया रीश्यू कर दे अब इंडियन डिपॉजिटी क्या होता है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ इंडियन डिपोजिटी इंडियन डिपोजिटी क्या होता है ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होती है सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होती है और ये भी क्या करती है कस्टडियन की तरह ही काम करती है कस्टडियन का मतलब क्या होता है अ पर्सन हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की टेक केयर करना उसको हम कस्टडियन कहते हैं तो ये भी क्या करता है कस्टडियन की तरह ही काम करता है जैसे इंडियन डिपोजिटरी कौन से हमारे जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हैं वो है हमारे एन एस डी एल सी डी एस एल एन एस डी एल की फुल फॉर्म क्या है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट्री लिमिटेड ये भी इंडियन डिपॉजिटरी की तरह काम करता है और एक और डिपॉजिट्री है इंडियन डिपोजिट्री सी डी एस एल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड तो ये इंडियन डिपोजिटी हैं हमारे अब ये इंडियन डिपोजिटरी क्या करते हैं जो ओवरसीज कस्टडियन बैंक होता है वो इंडियन डिपोजिटरी को ऑथराइज करता है कि वो उन्हें आई डी आर की फॉर्म में इशू कर दें ठीक है और आई ये क्या करते हैं जो इंडियन डिपोजिट्री होते हैं वो आई डी आर इशू कर देते हैं किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसको हम डी फॉर्म भी कहते हैं डी फॉर्म में इशू कर देते हैं ठीक है और जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इसका एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वो फर्स्ट फॉरेन कंपनी है जो जिसने क्या किया था जिसकी जो आईडी आर्स हैं वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो अब देखिए सबसे पहले फॉरेन कंपनी ने क्या किया ओवरसीज कस्टडियन बैंक को अपने हैंड ओवर कर दिए शेयर्स ठीक है और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या ली उसने अप्रूवल ले ली फिर जो ओवरसीज कस्टडियन बैंक है उसने इंडियन डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट की कि वो उसको आईडीआर डी की फॉर्म में इशू कर दे इंडियन डिपोजिटी मैंने आपको बता दी क्या होते हैं सैबी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं जो क्या करते हैं कस्टडियन की तरह काम करते हैं और डी मेट फॉर्म में मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आईडीआर आर को इशू करते हैं पब्लिक को ठीक है द आईडियर कन्वर्ट्स द इशू विच आर इन फॉरन करेंसी इन टू आईडी आर एंड टू इंडियन रुपीज अब अब क्या हो जाएगा जो इंडियन डिपॉजिटी है ये क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे इसे फॉरेन करेंसी से इंडियन रुपीस में क्योंकि हम इंडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके थ्रू और एट द एंड आईडी डी इश्यू टू द इंडियन इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स और इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसको परचेज करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोसीजर वही है जी और ए आर वाला बस माइनर सा डिफरेंस है सबके प्रोसीजर में लेकिन बेसिक वही है मेन चीज वही है ठीक है कि ईशुइंग कंपनी पहले कि नहीं दो पीछे में तो किसी दो पार्टीज़ की हेल्प से ही क्या होती है ये इन्वेस्टर तक पहुँचती है इसमें वो दो पार्टीज़ हैं ओवरसीज कस्टडियन बैंक एंड इंडियन डिपोजिट्री इंश्यू कंपनी पहले ओवरसीज कस्टडियन बैंक को क्या कर रही है अपने सारे शेयर्स हैंड ओवर कर रही है वो अपनी कस्टडी में रखेगा इसे और रिक्वेस्ट करेगा इंडियन डिपोजिटरी को कि वो इसको आई में कन्वर्ट कर दे और जो इंडियन डिपोजिट्री है वो क्या करेगा इसको आई में कन्वर्ट कर, दे। कर देगा मीन्स फॉरन करेंसी से इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा और इन्वेस्टर्स को इशू कर देगा तो दिस इज ऑल अबाउट द इशू प्रोसीजर ऑफ आइडियाज नाउ लेटे सी वट आर द एडवांटेजेस ऑफ आइडियाज अब आइडियास की एडवांटेजेस क्या हैं आइडियाज के एडवांटेजेस को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एडवांटेज टू द इंडियंस एंड एडवांटेज टू द फॉरनर्स तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियंस को क्या एडवांटेज हैं क्योंकि ये आइडियाज के थ्रू क्या किया जा रहा है जो फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्ट करने के लिए इंडियंस को अट्रैक्ट कर रही है तो इंडियंस को क्या इससे बेनिफिट हो सकता है लेट अस सी इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इन्वेस्टर्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इससे क्या मिल रहा है जो इंडियंस हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो क्या कर सकते हैं फॉरन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए मौका है एक अच्छा उनके पास नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स अ न्यू प्रोडक्ट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन की जो स्टॉक मार्किट है जो शेयर मार्केट है वहाँ भी क्या एक नई चीज़ आ रही है नई सिक्योरिटी आ रही है आइडिया की फॉर्म में इट रिड्यूसिस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू टेक देयर मनी अब्रोड ऑन देयर ओन और इसके थ्रू क्या होता है क्योंकि ये सारा काम किसकी हेल्प से हो रहा है दो लोग हैं जो दो पार्टीज हैं जो मीडिएटर का, का काम कर रही हैं ओ सी बी एंड इंडियन डिपोजिटी तो जो इंडियन इन्वेस्टर हैं उनका जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है इससे जो क्या करना चाहते हैं अपनी मनी को अब्रोड में फॉरेन कंट्रीज में क्या करना चाहते हैं ले जाना चाहते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक है क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है तो so, एडवांटेजेस क्या हुए इंडियंस को क्या उन्हें मिल रहा है कि फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नई सिक्योरिटीज़ आ रही है ठीक है और जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो क्या कर सकते हैं लेस रिस्क पर क्या कर सकते हैं अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन कंपनी में और वहां तक ले जा सकते हैं नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आइडियाज टू द फॉरेनर्स फॉरेनर्स को क्या एडवांटेजेस हैं सो लेट अस सी advantages of IDRs to the foreigners first is it provides listing facility to the foreign companies IDRs के through क्या कर सकते हैं जो foreign companies हैं वो भी क्या हो सकती हैं Indian stock exchange पर listed हो सकती हैं means उनकी जो सिक्योरिटीज़ है वो क्या हो रही है इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में क्या होंगी buy एंड सेल होंगी ठीक है इट प्रोवाइड्स popularity टू द इशूइंग कंपनी और से क्या होगी इशूइंग कंपनी पॉपुलर हो जाएगी और ठीक है इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएगी जब इंडियंस क्या करेंगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स समथिंग इज़ देयर इन दैट कंपनी कुछ तो खास बात है उस कंपनी में तो और पॉपुलर हो जाती है वो कंपनी इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएगी एंड इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ फॉरन कंपनीज से तो है ही क्योंकि जो फॉरन कंपनी है वो क्यों इशू कर रही है अपनी कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही है ठीक है तो इसकी इसके लिए वो क्या कर रही है इंडियंस को आइडियार्स इशू कर रही है और आइडियाज इशू करके क्या हो जाता है फॉरेन कंपनी को फाइनेंस मिल जाता है क्योंकि हर कंपनी को फाइनेंस चाहिए चाहे वो फॉरेन कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए एक्सपेंशन के लिए चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए तो इस तरह से इंडियंस को भी एडवांटेजेस हैं आइडियाज से और फॉरनर्स को भी एडवांटेजेस हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन डिपोजिटि रिसिप्ट